आज के सेशन में हम समझेंगे कि कपड़े सिलने के लिए जिन टांकों की और सीम्स की हम प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले दो शब्द आते हैं, एक स्टिच है और एक सीम है। स्टिच का मतलब होता है टांका, और जब टांका कंटिन्यूसली हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम सीम कहते हैं। सीम्स जो हैं वो बेसिकली चार प्रकार की होती हैं। एक जो है वो प्लेन सीम होती है, जिसमें आप कपड़े को बराबर रखते हैं और फिर एक सिलाई कर देते हैं। मैंने ये कच्चा करा है आपको दिखाने के लिए। लॉकडाउन पीरियड में थोड़ी सी लिमिटेशंस है, बट आई एम श्योर आपको इससे समझ में आ जाएगा। जब आप ये सिलाई लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस सिलाई को, जो स्टिचिंग अलाउंस है, उसको एक तरफ मोड़ दें, या आपका कपड़ा अगर भारी है, थिक है, तो आप उसको इस तरीके से फ्लैट भी कर सकते हैं, जिससे कि एक तरफ वो वजन ना जाए, तो दूसरी तरफ से आपकी ये स्टिचिंग इस तरीके से कपड़ा जुड़ जाता है। जो नेक्स्ट सीम है, आप लोगों ने अपनी क्लोथिंग में ये ज़रूर किया होगा, ये फ्रेंच सीम है। इसमें राइट साइड से हम स्टिचिंग करते हैं बहुत किनारे के करीब, और उसके बाद फिर उसको फोल्ड कर देते हैं, और एक बार फिर से रॉन्ग साइड पर आ जाता है, और फिर हम एक सीम 1/4 इंच की दूरी पर हम उसको कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एजेस होती हैं वो हमारी जो रॉ एजेस होती है अंदर, खास तौर से उन कपड़ों में जिसमें धागे निकल रहे होते हैं, या बच्चों के कपड़ों में हम लैप सीम ज़रूर करते हैं, क्योंकि अंदर की जो सिलाई होती है वो बच्चों को की स्किन सॉफ्ट होती है, उस पर चुभे ना, तो ये फ्रेंच सीम होती है। और ये फिर राइट साइड से इस तरीके से हमारा कपड़ा जुड़ जाता है, और रॉन्ग साइड पर भी हमारी कोई रफ एज नहीं दिखती है। नेक्स्ट होती है हमारी फ्लैट सीम। इसमें हम बजाय कपड़े को बराबर से रखने के लिए हम इसको छोटा बड़ा रखते हैं, और बिल्कुल किनारे पे सिलाई कर देते हैं। जब हम इसको राइट साइड से खोलते हैं तो जो छोटा वाला साइड है उसको हम बड़े वाले साइड से ढक देते हैं, और इस तरीके से फिर राइट साइड से हम इस पर या तो सिंगल टॉप स्टिच या डबल टॉप स्टिच कर देते हैं। ये ज़्यादातर सिलाई जो है वो जीन्स में और मोटे कपड़ों में प्रयोग की जाती है। फिर आता है लैप्ड सीम। लैप्ड सीम उन कपड़ों पे किया जाता है जो बहुत थिक होते हैं या लेदर, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक के ऊपर एक कपड़े को रख देते हैं इस तरीके से, और जब एक के ऊपर एक हम कपड़े को रख देते हैं तब फिर हम सिर्फ ऊपर ऊपर सिलाई कर देते हैं। तो ये चार तरीके की बेसिकली स्टिचेस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं कपड़ों को स्टिच करने के लिए। जो एक अच्छी सीम होती है उसकी जो विशेषता होती है वो ये है कि कहीं भी स्टिच जो है वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टिच की जो लंबाई है वो हर जगह बराबर होनी चाहिए, और स्टिच करते समय उसको कपड़े को डैमेज नहीं करना चाहिए। कई बार आप देखिए कि अगर जो कपड़ा है उसमें होल्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, या धागा जो है वो बहुत मैच नहीं कर रहा है ठीक से, तो वो स्ट्रेंथ उसकी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एक अच्छे सीम की जो विशेषता होती है वो ये है कि वो बराबर के स्टिचेस होने चाहिए, कहीं पे कोई टांका मिस नहीं होना चाहिए, और जो मटेरियल है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अब एक अच्छी सीम की जो और विशेषताएं होती हैं वो ये है कि उसमें जो कपड़े की जो इलास्टिसिटी है और जो सीम की इलास्टिसिटी है वो दोनों मैच करने चाहिए, और जब हम कपड़े को पहने तो जो सिलाई है वो हमारे को चुभनी नहीं चाहिए। सीम जो है वो मजबूत होनी चाहिए, उतनी ही मजबूत जितना हमारा फैब्रिक है। जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे जो कटिंग है उससे पैरेलल होनी चाहिए, और जो सिलाई है वो हमारे कपड़े को उसे डैमेज नहीं करना चाहिए। एक बात आ जाती है, टर्म आता है स्लिपेज का, कि सीम स्लिपेज क्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए कि या तो हम चॉइस ऑफ नीडल जिसे सिल रहे हैं वो हमारी ठीक नहीं है, या हमारी धागा जो है वो हमारे फैब्रिक के थिकनेस को मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि सिलाई हमारी अलग दिखती है और कपड़ा हमारा अलग दिखता है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारी जो सिलाई है वो कपड़े का ही भाग बन जाना चाहिए, ये सीम की विशेषता होती है।
तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान से जो कपड़े के पिक्स एंड एंड्स हैं उसकी क्या डेंसिटी है, कितना कितना थिक और घना बुना हुआ हमारा कपड़ा है, कपड़े की हमारी श्रिंकेज क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना श्रिंक करे कपड़े को स्टिच कर देते हैं, उस समय तो ठीक लगता है, बाद में जब हम धोते हैं तो हमारा जो धागा हमने प्रयोग किया स्टिचिंग के लिए वो तो श्रिंक करेगा नहीं, कपड़ा हमारा श्रिंक कर जाता है। तो हमारी स्टिच सीम और हमारा कपड़ा मैच नहीं करता है। फिर हमें स्टिच की जो डेंसिटी है यानी कि कितने स्टिचेस पर इंच हम यूज़ कर रहे हैं ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो कपड़े के वज़न के हिसाब से और स्टिच की मजबूती के हिसाब से तय होता है कि हमें कितने स्टिचेस पर इंच रखने हैं। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिलाई किस तरह से हमने करनी है और कौन सी सिलाई हमने करनी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं जैसे क्लासिफिकेशन अगर हम करें स्टिचेस का, तो हैंड स्टिचेस, जैसे कई बार हम गारमेंट स्टिच करते हैं तो हमें हैंड स्टिचेस करने पड़ते हैं, कहीं कच्चा जोड़ना पड़ता है, कभी हमें बटन होल करना पड़ता है, कहीं बटन होलिंग करनी पड़ती है, कभी हमें कॉलर और लाइनिंग को एक साथ बैठाने के लिए हमें उसको यूज़ करना पड़ता है। तो हैंड स्टिचेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सिलाई में। हालांकि एक समय था जब जेंट्स कुर्ते जो हैं वो टोटली हाथ से ही सिले जाते थे, और उनकी जो खासतौर से बंगाल में, अगर आप अभी भी कुछ बुज़ुर्ग लोगों से बात करें तो बताएंगे आपको कि अपने यंग एज में वो हाथ के सिले हुए कॉटन कुर्ते पहना करते थे। आज के ज़माने में तो वो बहुत एक्सपेंसिव स्टिचिंग मानी जाएगी। अब जब हम मशीन से स्टिचिंग करते हैं तो वो एक लॉक स्टिच होता है। तो हैंड स्टिच में देखिए ये इस तरीके से, ये एक डायग्राम है जिसमें आपको वो बता रहा है कि ये कपड़ा है आपके दो लाइंस का, और जो धागा है वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ये हैंड स्टिच का डायग्राम है जो स्टिचिंग का जाता है। जो आपकी मशीन में स्टिचिंग जाती है उसमें दो धागे होते हैं, एक धागा आपका ऊपर से आता है जो जिसको हम नीडल थ्रेड कहते हैं, और नीचे वाले धागे को हम बॉबिन थ्रेड कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है वो स्टिच को लॉक भी कर देता है। अगर लॉक स्टिच करें तो देखिए ये दोनों डायग्राम सेम है, ये ऊपर वाले धागे को नीचे वाला धागा लॉक कर देता है, इसलिए इसको हम लॉक स्टिच भी कहते हैं। इस स्टिच की जो इलास्टिसिटी होती है, जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है, वो करीब 30% होती है। ज़्यादातर डोमेस्टिक मशीन्स में हम लोग इसी स्टिच को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स जो जो वोवन फैब्रिक पे बनते हैं उसमें भी ज़्यादातर इसी स्टिच को हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी 30% इलास्टिसिटी होती है। उसके बाद आती है बात मल्टी चेन स्टिच की। मल्टी चेन स्टिच में क्या होता है कि ऊपर का जो नीडल का थ्रेड होता है उसको हम ऊपर वाला जो थ्रेड होता है उसको हम नीडल थ्रेड कहते हैं, और जो नीचे वाला थ्रेड होता है उसको हम लूपर थ्रेड कहते हैं। तो इसमें आप देखिए ये लूप की तरह आगे पीछे नीचे का धागा जाता है, और ये जो स्टिच है इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ट्राउजर्स के लिए, जिनमें बहुत मजबूती की सिलाई की ज़रूरत होती है। इसकी विशेष मशीन होती है, ये मल्टी थ्रेडेड होती हैं, और इसमें जो है जो स्टिचिंग है वो बहुत मजबूत होती है, तो इसलिए इसको हम ट्राउजर्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक और तरीके की मशीन्स होती हैं जो ओवरहेड स्टिच करती हैं, इसमें एक नीडल का थ्रेड होता है और नीचे दो लूपर थ्रेड्स होते हैं। आपने देखा होगा जैसे यहाँ वाले डायग्राम में आपको ये पता चल रहा है कि ये साथ साथ इंटरलॉकिंग भी, साइड की जो सीम है वो हमारी इंटरलॉक होती चली जा रही है। तो इसमें जो थ्रेड्स हैं वो इस तरीके से यूज़ होते हैं कि स्टिचिंग भी साथ साथ होती जाती है और इंटरलॉकिंग भी साथ साथ होती जाती है, और इंटरलॉकिंग जिससे कि वो एज हमारी बिल्कुल बराबर रहे। इसमें एक कटिंग का भी प्रोविजन होता है जो साथ साथ बराबर की एज भी कपड़े की काटती चली जाती है, जो कोई भी एक्स्ट्रा एज होती है तो वो भी कट जाती है। इसको हम कई बार ओवरलॉकिंग स्टिच भी कहते हैं या ओवर एज स्टिच भी कहते हैं क्योंकि किनारे की ऊपर जाता है। इस स्टिच की जो इलास्टिसिटी होती है वो 300% होती है। तो इसमें हम ज़्यादातर जो कपड़े स्टिच कर पाते हैं वो जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं वो इन मशीन से और इस
स्टिच से स्टिच होते हैं और इस स्टिच की जो चौड़ाई होती है वो करीब 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ी होती है। फिर एक और स्टिचिंग यूज होती है जो कवरिंग चेन स्टिच होती है। इसमें जो है 3 ग्रुप्स ऑफ थ्रेड चलते हैं और 2 ग्रुप्स ऑफ थ्रेड जो है वो दोनों तरफ रहते हैं, मतलब फैब्रिक के ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहते हैं। और ये जो सेकंड ग्रुप ऑफ थ्रेड है इसको हम टॉप कवर थ्रेड्स कहते हैं और जो बॉटम वाले थ्रेड्स हैं उनको हम बॉटम कवर थ्रेड्स कहते हैं। ये स्टिचिंग जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टिचिंग होती है, पर होती बहुत मजबूत है, इसकी इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए इस तरह की स्टिचिंग का प्रयोग जो है वो स्ट्रेचेबल अंडरगार्मेंट्स, लेसेस, इस तरीके की या डेकोरेटिव टॉप स्टिचिंग, इस तरीके की स्टिचिंग के लिए किया जाता है। तो इसके साथ साथ, ये तो बेसिक हो गया, इसके साथ साथ जो वेरिएशंस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि सिंगल नीडल है या ट्विन नीडल है, मतलब ऊपर की जो सिलाई है वो आप सिंगल नीडल से कर रहे हैं या ट्विन नीडल से कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की जैसे हमें ज़रूरत होती है डिपेंडिंग ऑन द गारमेंट और उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, उस गारमेंट का क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से जब हम फैब्रिक चूज करते हैं तो उसी हिसाब से हम स्टिचिंग की टाइप भी चूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम सिलाई जो हम लगाते हैं वो ऐसा नहीं है कि बस हमने 2 कपड़े एजेस लिए और उनको सिल दिया, हमें बहुत ध्यान से नीडल, धागा, पर्पस ऑफ स्टिचिंग, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।